was really good. The characters and all, they acted very well. It's really beyond my imagination. Okay, wow, it's that's nice. Beyond the Cloud, बहुत 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 अच्छी फिल्म है. फिल्म फेस्टिवल में जब ये फिल्में चलती हैं तो लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं. इस फिल्म को अगर आप मिस करेंगे तो पूरी तरह से आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, इसलिए क्योंकि एक ऐसी फिल्म है शायद थोड़ा थोड़ा ये आपको स्लम डॉग मिलने की भी याद दिलाएगी. बहुत ही सुपर्ब है यार, बहुत ही मतलब बियॉन्ड द वर्ड्स है. बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन फिल्म है. मैं जैसे आपको बताऊँ बियॉन्ड द क्लाउड सच में बियॉन्ड माई माइंड चली गई है. जैसे कि आपने पूछा आर यू फैन ऑफ शाहिद कपूर, नो नॉट लाइक. सो बेसिकली अगर शाहिद से कंपेयर किया जाए तो आपको ईशान की एक्टिंग कैसी लगी? सो बोथ आर डिफरेंट. ही हैज अर्न द स्टारडम बट इफ यू कंपेयर हिम बोथ आर डिफरेंट दैट्स व्हाई. बट ही रियली एक्टेड वेल. हां, उन दोनों की एक्टिंग मैच कर रही है, अच्छी है. यस, बोथ के ही कैन रीच दैट लेवल. यस, ही कैन रीच दैट. यस, ओके. इन दैट केस Ishaan Khatter is better than Shahid in the first movie appearance. Oh wow. Okay, Shahid Kapoor's first movie is like what's the name? As a romantic drama kind of film. It's better. Shahid ke bhai hain Ishaan Khatter. It's a good thing. बट दोनों भाइयों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है. और ईशान के बारे में मैं कह सकती हूँ एज अ व्यूअर, एज अ फिल्म लवर, कि आने वाले दिनों के एक बहुत बड़ा चेहरा होगा ये लड़का, क्योंकि मुझे इस दो घंटे की फिल्म में एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि दिस बॉय इज़ एक्टिंग. मुझे लगता है कि कंपेयर करने से बेटर है कि दोनों की फिल्में अलग अलग है. उनकी अलग अलग थी स्टोरी, अलग थी इनकी अलग है. बट ईशान एज अ फर्स्ट फिल्म कमाल है यार, ये बंदा कमाल करता है. मतलब कॉमेडी हो सीरियस हो सब जगह पे परफेक्ट करता है. और अगर दोनों की केमिस्ट्री की बात की जाए, उनकी ये फर्स्ट फिल्म है, सो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? इट वाज द फर्स्ट फिल्म, इट वाज रियल गुड. देन इफ इट वाज द फर्स्ट फिल्म गुड. केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब लगते हैं प्योरली लगते हैं कि ब्रदर और सिस्टर है. ओके, मतलब वो किरदार में है. और म्यूजिक डायरेक्शन, ओवरऑल म्यूजिक कैसा लगा फिल्म का? म्यूजिक देयर इज अ बैकग्राउंड स्कोर, सुपर बैकग्राउंड स्कोर देयर इज अ एंड डायरेक्शन आई डोंट हैव वर्ड्स टू से. अगर हम म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म में कौन सा आपको सॉन्ग है? सो ये एक टिपिकल फिल्म नहीं है जिसमें म्यूजिक हो, सॉन्ग्स हो. ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देखी जानी चाहिए. मदर इंडिया फिल्म का गाना बताइए, मुझे कोई याद आ रहा है आपको? नहीं. लेकिन वो एक ऐसी फिल्म है जो यादगार फिल्म है, आप उसको भूल नहीं पाएंगे. आपके शायद परदादाओं ने वो ज़िंदगी देखी हो, इसलिए आप उसको भूल नहीं पाते हैं. और स्टार की बात करें तो कितना स्टार देंगे? फ्रॉम 5 और रेट देम 4. बिटवीन 5 एंड 4 एंड हाफ. 4 आउट ऑफ 5. 5 आउट ऑफ 5. 0.5 डेफिनेटली.